तो लास्ट वाले वीडियो में बेसिकली मैंने कहा कि दो लाइंस के लिए सॉल्व करना, ठीक है क्या? सॉल्विंग फॉर टू लाइंस, ठीक है क्या, इज सेम एज सॉल्विंग फॉर टू स्लोप्स, ठीक है? जैसे तुमको एक लाइन दी हुई है तो तुम लाइन को स्लोप्स के टर्म्स में देखना शुरू करो, ठीक है क्या? क्योंकि पॉइंट तो फिक्स है ना, पॉइंट तो फिक्स है अपना पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्लियर है कि बात? तो उसमें लाइन को एक्चुअली तुम स्लोप्स के टर्म्स में देखना एक्चुअल में शुरू करो, क्लियर है क्या? तो ये एक अच्छा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है? ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करने का ये एक अच्छा तरीका है, क्लियर है बात? ठीक है, तो तुम उसमें इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अगर ऐसा है तो इसका एक फैक्टर तुमको दिया हुआ है, ठीक है? क्या दिया हुआ है? 3x+5y, ये तुमको दिया हुआ है, एक फैक्टर तुमको दिया हुआ है, 4x+5y एक फैक्टर तुमको दिया हुआ है, ठीक है? ये कैसा? इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर ये है, ठीक है? इस एक्सप्रेशन का लेट्स से ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है बराबर, तो उसका एक फैक्टर अपने को ये दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है? तो ये है मसला, ठीक है, फैक्टर वाली चीज़ से, लेकिन वो ऐसा गंदा मच जाएगी एक्चुअल में, ठीक है? तुम इसको ऐसा करो कि भाई ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, L1=0 पासिंग थ्रू ओरिजिन, L2=0 पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है? ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये L1 मान लेता हूँ मैं इसको, L1 बराबर अगर ये है, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या बनेगी बेसिकली, ठीक है? तो उसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि इससे तुम इसको ऐसा लिख लो, इसी इक्वेशन को चेंज करके ऐसा लिख लो, BM² + 2HM + A। अब से अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो जॉइंट इक्वेशन है उसको ऐसे दिया करेंगे, ठीक है? उसका एक रूट है M1, एक रूट है M2, ठीक है? तो जैसे ही तुमने कहा कि लाइन L1 है तो उसका एक M1 भी होगा, स्लोप भी होगा, तो वो स्लोप यही वाला होगा, समझे क्या? अब जैसे इस इक्वेशन का एक रूट अगर मैं तुमको दे दूँ और बोलूँ कि ए बी और एच को रिलेट करो या फिर कंडीशन बनाओ, तो बस एक रूट अगर तुमको पता है तो उसको सेटिस्फाई करवा दो, क्लियर है कि बात? तो ये लॉजिक था इसका, ठीक है? सॉल्यूशन इसका नोट डाउन कर लो, सवाल तो नोट कर ही लिया होगा, यहाँ से सॉल्यूशन नोट डाउन करना शुरू कर दो, ठीक है? यहाँ से नोट डाउन करो, ठीक है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ये लिखो फटाक से, ठीक है? और उसमें ऐसा लिखना, ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ, यहाँ देखो उसमें ऐसा लिखो, सॉल्यूशन में ऐसा लिखो, लॉजिकली चलो, ठीक है? A² + 2HXY + BY² = 0 इसके तुम्हारे पास इसी चीज़ को तुम ऐसे भी लिख लो, BM² + 2HM + A = 0, ठीक है कि बात? इस इक्वेशन को ऐसा लिख लो। अब इसके दो रूट्स M1 और M2, ठीक है? एक M1 तुमको दे रखा है, कैसे दे रखा है बोलो? M1 कितना दे रखा है? 4x+5y = 0 इफ दिस इज वन ऑफ द लाइंस, ठीक है, देन इट्स स्लोप, ऐसे लिखना सॉल्यूशन में, देन इट्स स्लोप इज आइदर वन ऑफ M1 और M2। क्या बोलते हो? तो मैं मान लेता हूँ M1 बराबर है -4/5। अब मेरे को बताओ, एक इक्वेशन है, ठीक है, उसका एक रूट तुमको पता है, और फिर कंडीशन बनानी है, तो फिर कंडीशन कैसे बनाओगे? ये वाली चीज़ लिखो, यहाँ से यहाँ तक लिखो, पहले फटाफट वीडियो को पॉज करके ये वाली चीज़ लिखो, फटाफट वीडियो को पॉज करके क्विकली, ठीक है क्या? उसके बाद ये अपना लिख डालो, ये वाली चीज़ वीडियो को पॉज करो और फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ये तुम्हारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, क्लियर है कि बात? ये ध्यान में रखो, वीडियो को पॉज करो, फटाक से इसको लिख लो, ठीक है, इन चीज़ों को लिख डालो, ठीक है, ओके। तो तुमने देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सेम एज योर ओरिजिनल इक्वेशन, समझ आ गया? तो एक क्लास वर्क में एक नोट करो, ठीक है, क्लास वर्क में एक सवाल लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट
दैट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर. ठीक है, ये तुम्हारा क्लास वर्क है. वीडियो को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो फटाफट. ठीक है, अब तक ये अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे ख्याल में. ठीक है, इसका आंसर नोट डाउन करो. इसका आंसर है 9a प्लस बी प्लस 6h इक्वल्स टू ज़ीरो. ये इसका आंसर बैठा. ठीक है, ये इसका आंसर बैठेगा. क्लियर है? एक और सवाल क्लास वर्क के लिए नोट करो, अभी करो, क्लास के दौरान ही करो. इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो इज परपेंडिकुलर टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, शो दैट ए पी स्क्वायर प्लस टू एच पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, एक बार ये अपने को शो करना है. फटाफट नोट करो दोनों सवाल. वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो. ठीक है, ये वाला सवाल नोट कर लो क्लास वर्क में. एक और ये वाला सवाल नोट करो फटाफट. ठीक है, उसके बाद अगला वाला सवाल देखो. तुम्हें जॉइंट इक्वेशन निकालनी है. फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन. ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, विथ द लाइन वाई इक्वल्स टू थ्री. सवाल समझ लेते हैं पहले. तो एक लाइन है वाई बराबर तीन. ठीक है, ये लाइन कैसी लाइन रहेगी? ये ऐसी लाइन है वाई बराबर थ्री. तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास कर रही हो. तो इसका अपने को जॉइंट इक्वेशन निकालना है बेसिकली. ठीक है, ये हो गया एल वन, ये हो गया एल टू. ठीक है, एल वन एल टू बराबर ज़ीरो, ये चीज़ अपने को निकालनी है. एल वन एल टू बराबर ज़ीरो, ये चीज़ बेसिकली अपने को निकालनी है. तो क्या हो गया भाई, एल वन एल टू निकालने का मतलब स्लोप निकालो. ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो फिक्स है अपने पास ओरिजिन. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल कितना बैठेगा? ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया. ठीक है, बात तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 60 डिग्री हो गया. क्लियर है ये चीज़? और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 60 प्लस 60 120 डिग्री हो गया. क्लियर है? तो थीटा वन इज 120 डिग्री और थीटा टू इज 60 डिग्रीज. ठीक है, तो एम वन कितना आ जाएगा टैन थीटा वन. स्लोप कितना हो गया? ये हो गया टैन 120 डिग्री. ठीक है, टैन 120 डिग्री. और टैन 120 कितना होता है? माइनस रूट थ्री. ठीक है, और एम टू कितना हो जाएगा? टैन ऑफ थीटा टू. ये चीज़ जाएगी टैन ऑफ 60. ये चीज़ कितनी हो जाएगी? रूट थ्री. क्लियर है ये चीज़? तो दोनों की स्लोप आ गई, दोनों का पॉइंट भी अपने को पता है ओरिजिन. तो पहली वाली लाइन कैसे लिखेंगे? वाई माइनस वाई वन बराबर एक्स, सॉरी एम एक्स माइनस एक्स वन. पहली वाली जो लाइन है वाई इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स है. इसका मतलब कितना हो गया? रूट थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. ये अपनी पहली लाइन हो गई. ठीक है, एल वन डैश. और एल टू डैश के लिए क्या करोगे? एल वन होगी, एल टू के लिए क्या करोगे? वाई माइनस वाई वन बराबर एम, उसकी स्लोप माइनस रूट थ्री है, एक्स माइनस ज़ीरो. क्लियर है ये चीज़? तो ये कितना होगा बोलो? वाई बराबर माइनस रूट थ्री एक्स. ये चीज़ कितनी हो जाएगी? रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये क्या हो गया? एल टू हो गया. ठीक है बात? तो एल वन एल टू बराबर ज़ीरो इज़ द जॉइंट इक्वेशन. समझे? जॉइंट इक्वेशन ये आ जाएगी. क्लियर है चीज़? तो ये कितना लिख लोगे? जॉइंट इक्वेशन
कितनी आ जाएगी देखो तुम्हारे पास, रूट थ्री एक्स प्लस वाई रूट थ्री एक्स माइनस वाई बराबर ज़ीरो। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जॉइंट इक्वेशन हो गई तुम्हारी, क्लियर है क्या, ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसका लिखो सॉल्यूशन, लिखो फटाफट, सवाल तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, ये ऐसा कर लेते हैं, सवाल लिख लेने के बाद जॉइंट इक्वेशन ऐसे लिख लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया सॉल्यूशन, फटाफट लिखो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है, अदर टू साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इतना हो जाएगा। फटाफट लिखो इसको, स्पीड में लिखो फटाफट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखो फटाफट क्विकली। ठीक है, उसमें जैसे ये देखो सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर ज़ीरो। ठीक है, ये गिवन है, इफ़ वन ऑफ द लाइन, ठीक है क्या, बाइसेक्ट्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखो, इफ वन ऑफ द लाइन, सवाल की भाषा ये है, इफ वन ऑफ द लाइन बाइसेक्ट्स, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, ठीक है, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, भाई इससे दो लाइनें आती है ना, उसमें से एक लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स कर रही है, बाइसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, देन शो दैट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देन शो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज फोर एच स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को शो करना है। ठीक है, बात तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले सवाल का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ देखो, लेट्स से ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो उसमें एक लाइन या तो ऐसी होगी, बाइसेक्ट करना कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसका मतलब क्या, ये एक लाइन या तो ऐसी होगी, ये हो गया 45 डिग्री, है कि नहीं, ये भी हो गया 45 डिग्री, या तो फिर लाइन ऐसी होगी, ये लाइन भी कैसा बाइसेक्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये और ये बराबर है ऐसा, ये और ये बराबर है ऐसा, समझिए क्या ये होता है। तो एक लाइन हो सकती है या तो L2 होगी या तो L1 होगी। ठीक है, के बाद L1 होगी या तो L2 होगी, क्लियर है। तो इसमें देखो लाइन के लिए सॉल्व करना, यानी कि स्लोप के लिए सॉल्व करना, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे लिखोगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या करोगे भाई, यहाँ देखो लाइन L1 या तो M होगा, M1 होगा 1, M2 होगा माइनस 1, एक लाइन का स्लोप ले लो 1, दूसरे लाइन का स्लोप ले लो माइनस 1। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाती है तुम्हारे पास, बी एम स्क्वायर। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से जिससे दोनों लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इससे जिससे दोनों लाइंस आ रही हैं, इससे भी दोनों लाइंस आ रही हैं, बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए बराबर ज़ीरो, इससे भी दोनों लाइंस आ रही हैं। तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या आ रहे हैं तुम्हारे पास, प्लस माइनस 1, इसके जो दोनों रूट्स हैं प्लस माइनस 1 आ रहे हैं ना। ठीक है, के बाद तो कंडीशन क्या बनेगी देखो, तो दोनों रूट्स हैं इसके, अगर प्लस माइनस 1 आ रहे हैं, ठीक है, के बाद तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी, अपने को ये बनाना है, समझ गए, ये वाली चीज़ अपने को क्रिएट करनी है। तो एच वगैरह तो सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है, इसके अगर दोनों रूट्स ये हैं तो इसके अगर दोनों रूट्स ये हैं तुम्हारे पास, तो बेसिकली यहाँ देखो, भाई बी प्लस टू एच, ठीक है, दोनों रूट्स अगर इसके हैं दिए हुए ऐसा,
तो बी वन स्क्वायर प्लस टू एच प्लस ए बराबर ज़ीरो होगा, और बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन प्लस ए बराबर ज़ीरो, ये भी होगा। ठीक है, ये तो चीज़ें होगी। तो पहले वाले से क्या आ रहा है बोलो, पहले वाले से आ रहा है बी प्लस टू एच प्लस ए बराबर ज़ीरो, या फिर क्या होगा बोलो, बी माइनस टू एच प्लस ए बराबर ज़ीरो, ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है बात, तो इससे क्या निकल के आ रहा है बोलो, टू एच बराबर माइनस ऑफ ए प्लस बी, ये चीज़ कहाँ से आई, ये आ गई यहाँ से। ठीक है, और या फिर इससे क्या आ गया बोलो, टू एच बराबर ए प्लस बी आ गया, समझे गए, या फिर ये ऐसा। तो ये काहे का सॉल्यूशन रहेगा, टू एच का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, टू एच का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का सॉल्यूशन है ना, ये इसी का सॉल्यूशन है, टू एच बराबर फिर प्लस माइनस ए प्लस बी, इसी का सॉल्यूशन है ना। तो फोर एच स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखो, समझे, ये लिखो, ये आ गई कंडीशन अपनी। तो हैंस प्रूव्ड, यहाँ मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, यहाँ हो गया फिर हैंस प्रूव्ड, यहाँ देखो मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया बेसिकली, कि अगर x इक्वल्स टू प्लस ए है या फिर x इक्वल्स टू माइनस ए है, देन ये कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, ए स्क्वायर, इसी के सॉल्यूशन है ना ये। ठीक है क्या, ठीक है कि नहीं, ठीक है बात। तो इस चीज़ को नोट कर लो, पहले इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, ये वीडियो को पॉज करो और ये सारी चीज़ें लिख डालो। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख डालो, स्पीड में लिख डालो। ठीक है, अच्छा उसके आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो काम बचता है अपने पास, सबसे ज़रूरी काम बचता है, ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो इसकी थ्योरी पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार, किया तो हुआ है वैसे, ठीक है क्या, किया तो हुआ है। एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए करोगे कैसा, अपनी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है कितनी आ गई बोलो, ये आ गई अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक का स्लोप हो गया एम वन, एक का स्लोप हो गया एम टू, तो एम वन प्लस एम टू कितना था अपने पास, बराबर माइनस टू एच अपॉन बी, और एम वन एम टू कितना आ गया, ये आ गया ए बाई बी। इसकी मदद से एम वन माइनस एम टू निकाल लेंगे, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, क्लियर है। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, फोर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए बाई बी, अब ये कितना हो जाता है, फोर एच स्क्वायर, ठीक है माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट अगर करोगे तो एम वन माइनस एम टू विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना बी, ये हो जाएगा। और टेन थीटा कितना बैठता है, टेन थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस कितना बैठता है, टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू बाय वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है ये आ गया। तो ये चीज़ कितनी आएगी, टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन वन प्लस एम वन एम टू कितना है, ए बाई बी, ठीक है पूरा मॉडुलस के अंदर है क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टू टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। मैंने ऐसे ही अपनी मस्ती के लिए कैसा डेरिवेशन, वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया भी हुआ है, इसके दो रीज़न है, एक तो पहली बात ये कि प्रेम और मोहित भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने तीसरा लेक्चर अटेंड किया नहीं है, तो तीसरे लेक्चर में यही वाली बातचीत हुई है एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो प्रेम और मोहित एक्चुअल में उन लोगों के लिए ये चीज़ मैंने वापस से रिकॉल कर दी है, ठीक है। तो इसको तो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो वैसे, ठीक है, तो ये एक्चुअल में प्रेम और मोहित के काम आ जाएगा, ठीक है, वो लोग जब वीडियो देख रहे रहेंगे तो उनका ये रिविज़न हो जाएगा, रिविज़न मतलब उन लोग ये चीज़ कर लेंगे, तुम्हारे लिए रिविज़न हो गया ये, ठीक है। खैर अपन अपने सवाल की तरफ आते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, और जॉइंट इक्वेशन तुमको दी हुई है लाइंस की, ठीक है। तो लाइंस जो है वो दी हुई है तुमको, अभी अपने को निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल
between the lines given by, कौन कौन सी लाइन्स अपने पास, लेट से एक ये उठा लेते हैं 4x square, ठीक है, ए पार्ट 4x square प्लस 5xy प्लस y square बराबर 0, ठीक है, के बाद ये उठा लेते हैं, तो अपने पास tan थीटा का डायरेक्ट फार्मूला लगाओ कितना हो जाता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ h, कितना हो गया भाई 5/2 h² माइनस a टाइम्स b, ठीक है, अपॉन a प्लस b कितना हो जाएगा 4+1, ये आ गया अपने पास tan थीटा का, कितना आ जाएगा देखो 5/25/4 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 5 का मॉडुलस, ये चीज़ कितनी आ रही है बोलो 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 16/9 3/2, ठीक है, अपॉन 5, ये ऐसा आ गया, दो दो हटा लो कितना आ गया 3/5 आ रहा है, ठीक है, तो एक्यूट एंगल तुम्हारे पास जो बन रहा है वो कितना बनेगा tan इनवर्स 3/5 बनेगा, ठीक है, दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, क्लियर है बा, ये आ जाता है तुम्हारे पास, ठीक है, एक फटाक से क्लास वर्क एक करके बताओ, इसका सॉल्यूशन पहले नोट डाउन करो स्पीड में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करो पहले, ये ऐसा हो गया यहाँ से यहाँ तक क्विकली नोट डाउन करो, ठीक है, उसके बाद क्लास वर्क वाले सवाल लिखो, ठीक है, क्लास वर्क वाले सवाल लिखो पहले, दो सवाल लिखो क्लास वर्क में, एक तो हो गया 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² बराबर 0, और एक और सवाल और लिखो 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0, ठीक है, फटाफट लग जाओ इसमें, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, ठीक है, अटेम्प्ट करो फटाफट क्विकली, वीडियो को पॉज करो अटेम्प्ट करो स्पीड में, ठीक है, उसके बाद आंसर्स नोट डाउन करो, पहले वाले का आंसर है तुम्हारे पास, छोटे छोटे सवाल है, पहले वाले का आंसर है 30 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर है तुम्हारे पास 30 डिग्री, और इसका आंसर है सेकंड वाले का 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, क्लियर है बात, अच्छा, अब एक होमवर्क में एक सवाल और नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये अच्छा है, वही एंगल बिटवीन द लाइंस ही निकालना है तुम्हें, ठीक है, एक और सवाल एक और नोट डाउन करो, a² - 3b², ठीक है, a² - 3b² टाइम्स x² प्लस 8abxy प्लस b² - 3a² टाइम्स y² बराबर 0, ठीक है, बात ये सवाल हो गया तुम्हारे पास, b² - 3a², ठीक है, पूरा टाइम्स a², ठीक है, बात ये सवाल हो गया, इसका तुम्हें एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है, ठीक है, सवाल नोट डाउन कर लो फटाफट, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये तुम घर से करना, इसको घर से करना, ठीक है, ठीक, इसका आंसर लिख लो, वो आएगा 60 डिग्री, इसका आंसर है बड़ा प्यारा सा 60 डिग्रीज इज योर आंसर, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है, तो अभी की क्लास ओवर करते हैं, इसके बाद का अगले वीडियो में आएगा, ठीक है।